वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और अभी सुबह के 9:17 हो रहे हैं 29 सितंबर। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि एक पोर्टर पार्टर दिल्ली NCR में ऑन एन एवरेज पूरे वीक में कितना कमा सकता है। ठीक, तो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, देखिए दोस्तों मैंने ओपनिंग दी थी 9:15 करीब और अभी 11 बज रहे हैं, बट कोई भी ट्रिप मेरे पास में अभी तक बजा नहीं है पोर्टर में। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ बच जाए उसके बाद ही जो है ना अपना दिन स्टार्ट करें। मैं इस तरीके से ना अपना जो वॉइस ओवर करता हूँ ऐसे करता हूँ, इसको पॉलीथीन से ढक के रखता हूँ जिससे कि डस्ट वगैरह ना जाए। अभी तो मेरे इंटरनल इस माइक से साउंड जा रहा है। ये मेरा सिस्टम है जिसमें मैं एडिट करता हूँ। तो आजकल कुछ दिन ऐसा चल रहा है भाई साहब कि मेहनत हो रही है ज़्यादा और पैसे आ रहे हैं कम, चाहे वो पोर्टर हो, ओला हो, उबर, कुछ भी कंपनी हो, बहुत बुरा हाल है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, लगभग 3 घंटे बाद भाई साहब ये ऑर्डर आ गया। मैं अपने से बात कर रहा था अभी, उससे पहले इसी दौरान आ गया, पिक कर लेते हैं, देखते हो। ओ भाई, हो गया, पिकअप हो गया, मज़ा आ गया। तो मैं कस्टमर को ना फ़ोन करके बोल दूँ, एक्चुअली मैं नहाया धोया नहीं हूँ तो मुझे 2 मिनट हार्डली लगेगा, तो मैं नहा लेता हूँ, देन जो है रेडी होके चलते हैं पिकअप करने। 72 पे ही पिकअप कर लिया है दोस्तों, घर से कुछ सामान लेना है वो लेते हैं, देन अपन निकलते हैं सीधा इसको डिलीवर करने। पार्सल लेके ना मैं घर आ गया हूँ, इसको स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बार बार अलर्ट आ रहा था। तो ये देख लो, ये स्टार्ट कर दिया है। 86 का है, कैश 0 लेना, ऑनलाइन पेमेंट है। तो ये पार्सल लिया है भाई, चलो फटाफट चलते, लेट नहीं करते। तो ये जो लोकेशन है पवन मोबाइल रिपेयर का भाई साहब, ये 55 किलोमीटर का है, 55 का 586 मिल रहा है। प्लेटफॉर्म चार्ज काट के पता नहीं कितना रुपए मिलेगा इसका, जो भी होगा। चलो अब चलते हैं। 9,305 किलोमीटर पे भाई साहब घर से चला, तो अब पेट्रोल जो है ना वो डलवा लेते हैं क्योंकि हमें पेट्रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अभी एक पॉइंट है, 10-10 मिनट लगा रहे हो यार एक गाड़ी में तुम। और 112 रुपये, 112 यार, दूसरे फोन में पैसे फुल करानी थी। डालो भैया डालो, ठीक है भैया, ऐसे होता है जल्दी लगाए घंटे यार। मौसम जो है ना, कभी तो हो रही है धूप कभी छाया, जब चला तो धूप थी और अब देखो बिल्कुल छाया हो चुका है। डर ये लग रहा है कहीं बारिश ना हो जाए। दोस्तों मैं आ चुका हूँ धोला कुआं भाई, गोप्रो लगा लिया है। मैं क्या है, जब यूज़ करना होता है ना तभी गोप्रो लगाता हूँ, बाकी टाइम में निकाल के रख देता हूँ। सर्विस के बाद ना स्कूटी इतनी रापचिक चल रही है, मज़ा ही आ जा रहा है बिल्कुल। जहाँ तक मुझे रूट पता है दोस्तों, वहाँ तक मैं मैप यूज़ नहीं करता हूँ, और भले मेरे पास मोबाइल होल्डर होता है तब भी, अभी भी है मोबाइल पाउच, वो लगा लूँगा, बट मैन गुड़गांव पहुँच जाए उसके बाद लगाएंगे। तो ये हम धोला कुआं को बाय बाय करते हुए, एक्चुअल में दोस्तों ये जो पार्सल ले जा रहा हूँ ना, ऐसे पार्सल होता है पोर्टर के लिए, बट कुछ लोग क्या करते हैं ना, आप लोगों को पता ही, आजकल 5 किलो बोलेंगे हाँ और कर रहे हैं भैया 50-50 किलो का दे देते हैं, और राइडर भी उसका फ़ायदा उठाते हैं भाई। कई कई लोग डबल पैसा ट्रिपल पैसा लेते हैं। बस इतना ही बोलूँगा कि अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालना भाई ज़्यादा ओवर साइज लेके। हाँ संडे है ना, मैं कहूँ थोड़ा खाली कैसे है, बस एम्स के पास थोड़ा सा भीड़ था, बाकी तो भाई ऑलमोस्ट रास्ता खाली मिल रहा है। ये बस लेन है क्या? भाई साहब बहुत दिनों बाद इस स्कूटी को मैंने जो है ना 80-85 पे टच किया है, मजा आ गया। ये जो सामने फाउंटेन चल रहे हैं ना भाई, ये फाउंटेन हमेशा ही चलते रहते हैं दिल्ली में, यही एक फाउंटेन मैंने देखा है ये वाले जो चलता रहता है, बाकी तो सारे बंद रहते हैं। ये चौथी या पांचवी बार ऐसा हो रहा है कि मैं 50 किलोमीटर के ऊपर का जो पार्सल है ना वो फूड में लेके जा रहा हूँ, चाहे वो पार्सल हो। एक बार मैं वीफास्ट में लेके गया था, आज से 4 साल पहले की बात है, नोएडा से मानेसर तक 72 किलोमीटर। भाई यहाँ का यही नज़ारा अच्छा लगता है, ये देखो प्लेन आ रही है ऊपर से, दिख रही है आप लोगों को? अभी और पास जाऊंगा तो और उड़ते हुए दिखेंगे पास में। यहाँ ना 3 रास्ते कट रहे हैं, एक इधर को एयरपोर्ट के लिए, इधर को द्वारका और सीधा गुड़गांव। तो मैं पिछली बार आया तो मैंने क्या करा, ये गुड़गांव वाला रोड छोड़ के ये टर्मिनल 3 वाले पे घुस गया। मतलब ट्रैफिक इतना था यार, ध्यान ही नहीं दिया मैं कौन से लेन में चल रहा हूँ, और लास्ट में चले गया। फिर वापस यू टर्न लेके नीचे से आया गुड़गांव के लिए। एक जा रहा है पोर्टर स्कूटी में, दूसरा पोर्टर जा रहा है 3 पहिए में। वो देखो बंदा स्कूटी वाला, ये पोस्टर भी लग रहा है, देख रहे हो भाई, स्कूटी बेस्ट है वैसे पार्सल के काम के लिए यार।
एक टाइम पे यहाँ पे टोल होता था, अब सिर्फ वो MCD टोल रह गया ये वाला। अब जो प्राइवेट गाड़ी है ना, ये नहीं रुकती है, सिर्फ MCD वाले जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं ना, वही रुकती है यहाँ पे। आप बस निकालो और कॉल करो कस्टमर को। शॉप नंबर 304 पवन मोबाइल रिपेयरिंग। भैया ये पोर्टर में ना नोएडा से आपका सामान ला रहा था। हाँ जी, कहाँ पहुँच गए? ये कृष्णा वाइन है ना, देसी शराब ठेका। अच्छा, पीछे खड़े हैं। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, बस इससे ना थोड़ा सा होगा। मतलब इसी रोड पे आ गया हूँ ना, मदर डेरी वीटा का। इस पे कितनी दूरी पे? यहाँ से आगे 100 मीटर ही होगा। हाँ, 100 मीटर पे आ गया। ये व्हाइट कलर की इको स्पोर्ट खड़ी है, आइए आप। अच्छा, उस पे ना पवन स्टोर लिख रखा है, तो मुझे क्या लगा मोबाइल स्टोर पे कैसे मंगा है। मैं ब्लॉग बनाता हूँ भैया, निकल जा सिम सिम। ये आपको यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ा है भैया? ये मेरे को पड़ा है, मैं 5 पे चला था और ये 68 चला भैया, 68। पता, ये आपने किसने दिया है? उसने आपको इसका आधा सामान दे के भेज देगा। अबे यार, और अगर वो मुझे दोबारा फोन भी कर लेते ना, तो मैं वापस चले जाता। आधे घंटे बाद याद आया कि मेरे को फोन कर रहा है। ओहो, इसका ना ये तो बॉक्स है, इसके वो जो ऊपर का होता है ढक्कन, वो दिया ही नहीं। अरे, अब वो कल को फिर अलग पोर्टर से मंगाना पड़ेगा। ऑनलाइन आ गया मैं, नेट 68 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, देख रहे हो मैं कितने पे वहाँ पे चला था। देखो 9,305 पे, अभी 72 हो रहा है ना, 68 किलोमीटर चला है। अमाउंट कितना मिला मेरे को? 468 था। कितने का? 586 भाई, 117 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज काट लिया पोर्टर ने भाई। काटता रहे, बस काम मिलता रहना चाहिए। ये हिमगिरी हीरो है दोस्तों, यहाँ से ना मैं अपने मिरर देख रहा था, क्योंकि मैंने दूसरे मिरर लगा रखे भाई। मिरर के लिए भी जॉब कार्ड वगैरह बनाओ, ये बनाओ, तो भाई मैंने छोड़ दिया। ऐसे ही मैं चला यहाँ से, मेरे पास ये ट्रिप आ गई जो कि बहुत ही बढ़िया है भाई। चलते चलते मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और ये वही ट्रिप है भाई जो दूसरे राइडर उठा नहीं रहे, क्योंकि 10 सेकंड का डिले। 7 मिनट बिना ग्लव्स के चलाया हूँ, तो हाथ गंदे हो गए थे, धोया हूँ अभी। तो ये पार्सल दिया है भाई, चलो ड्रॉप करते हैं। ये है बजाज CNG बाइक का जलवा भाई साहब। जिस भी शोरूम में 5-7-10 गाड़ी आ रही है, वो तुरंत के तुरंत नहीं निकल जा रही है। गुड़गांव में भाई दशहरे का धूम दिख रहा है, और आज संडे है तो मजा आ रहा है भाई गाड़ी चलाने। दिन का दूसरा पार्सल है दोस्तों, मैंने पिक कर लिया, जो कि पर्स सा है छोटा। ये सामान देना है गार्ड साहब। चलो भाई दे दे, फिर मिलते हैं। छोले कुलचे खा ही रहा था कि मेरे पास कॉल आया मेरे पुराने क्लाइंट का, जिनका मैं अक्सर गुड़गांव पार्सल लेके आता था। तो उन्होंने मुझे पार्सल देने की बोली, बट ये पार्सल वो मुझे 8:30 बजे देंगे। तो भाई जब तक ना मैंने ओला के कोई 2-3 राइड ले लिया आसपास, और अपने राइडर भाइयों से बातचीत करी, अच्छा लगता है कि यार वो अपने कुछ चीज़ें बताते रहते इस बारे में। तो ये वापस मुझे नोएडा ही देना है, तो ये चलिए देते हैं। ओला में मैं 2 राइड लिया हूँ बड़ी मुश्किल से, इफ्को चौक पे खड़ा था, और भाई मेरे पास भी ऑर्डर बज रहा है वही वाला राइड, वही सामने वाले राइडर के पास, लेकिन उसने फट पिक कर लिया, मेरा पिक ही नहीं हुआ, मेरा घूमता रह गया एक्सेप्टिंग। ओए है, कितना प्यारा लग रहा है देखो। ये सुबह भी दोपहर को दिखाया था आते हुए चलते हुए, अभी भी देखो जल ही रहा है, तो अलग अलग कलर जल रहा है। दिन में तो वाइट ही वाइट था, और इधर भी है, इधर देखो शेर के नीचे पानी जा रहा है, मस्त लगता है नहीं भाई। मैं ऑलमोस्ट धोला कुआं आ चुका हूँ, और भाई ये पार्सल मिला तब जाके मैंने 1000 पार किया। सेक्टर 66 पे खड़ा था, एक भाई और थे पोर्टर में भाई, उनकी आईडी पे ना ऑर्डर बज रहे थे, सेम ऑर्डर मेरे पास नहीं बज रहा था, उसी एरिए से। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा कुछ ना कुछ तो लोचा है मेरी आईडी में। पोर्टर में क्या होना चाहिए ना, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि यार मान लो अब मैं 10 घंटे लॉगिन दे रहा हूँ, तो इसका एवरेज जो है ना 10 घंटे का, अगर आपके पास राइड बचता है चाहे नहीं बचता है, तो 50 रुपये पर घंटे के हिसाब से ना देना चाहिए पूरे NCR में, चाहे वो किसी भी कोने में लॉगिन हो, चाहे आपका डिमांड है नहीं है। 10 घंटा हो चुका है लॉगिन, मैं दिखाई देता हूँ यार, ये देखिए 10 घंटे हो चुका है मेरा लॉगिन, और 2 ही ट्रिप बची है बस ऑफिशियली, और ये वाली ट्रिप तो मैं खुद पर्सनल लेके जा रहा हूँ, ये सामान डिक्की में आया नहीं है, इसलिए यार सामने रखना पड़ा। स्कूटी टोटल 155 किलोमीटर चल चुकी है दोस्तों। लगभग इतने बजे मैंने व्लॉग जो है स्टार्ट किया था, और आज भी लगभग उतना ही टाइम हो रहा है, थोड़ा सा फ़र्क है।
ठीक है, मैं पोर्टर में आज भी ऑन ही हूँ क्योंकि मुझे टारगेट पूरा करना है 80 घंटे का। पता नहीं दो दिन से ना अपडेट नहीं हुआ है, ये देखिए अपडेट नहीं हुआ है दो दिन से, ये मेरा 49 आवर दिखा रहा है जबकि ये कल का है, जो कल का पूरा दिन का अपडेट नहीं हुआ है, तो मेरा ना एक घंटे से कम रह रहा है 80 घंटा होने में, बट देखते हैं शायद हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक ऑर्डर ना परसों रात को क्या किया था, 7:55 पे बजा था और मैंने उसको 9 लगभग ख़त्म किया था क्योंकि कस्टमर लेट ही कर रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई लॉग इन आवर तो बढ़ ही रहा है, तो देखेंगे वो ऐड होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो मेरा जो मैं प्राइम पार्टनर में आ जाऊंगा 1 को, ठीक है, आज 30 हो गया। तो चलिए फिर दोस्तों मैन बात करते हैं कि आखिर एक वीक में एक पोर्टर पार्टनर ऑन एन एवरेज कितना कमा सकता है दिल्ली NCR में। तो मैं किसी और की क्या बात करूं, क्योंकि मैं अभी अपनी ही बात करता हूं और आप लोगों को लाइव जो है वो दिखाता हूं। वीक जो है ना चालू हुआ है तो इसमें तो कुछ अर्निंग है नहीं मेरी, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक की दिखा देता हूं। मैंने 11 ट्रिप लिए, 60 घंटा और 45 मिनट लगा, 1336 रुपये की अर्निंग हुई है, सिर्फ 1336 रुपये की, जिसमें से भी जो कल मैं गुड़गांव लेके गया था उसमें लगभग 500 रुपये मिला है, अदरवाइज़ ये मेरे 700 रुपये करीब था। यही काम अगर मैं कंपेयर करूं दोस्तों, क्योंकि कुछ डिलीवरीज बंदे ऐसे भी हैं जो मेरे संग जुड़े हैं, दुबई वगैरह में काम करते हैं या कुछ लोग लंदन में करते हैं, वहाँ पे देखते हो कैसा होता है। अगर आप मैंने किसी भी कंपनी को 50-60 घंटे दे देते हो ना पूरे हफ्ते में, हफ्ते का लॉगिन का ही होता है उनका 30 घंटा या 40 घंटा, बट हम इंडिया में यहाँ पे ना लेबर एक्ट जो है उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज बात करूँ तो लगभग $20 पर आवर बंदे कमा लेते हैं ना, अब 20 भी नहीं मैं 10 मानता हूँ, तो 10 से भी अगर आप काउंट करोगे तो 60 घंटे का मेरा जो हो रहा है $600 होता है, $600, अब 600 × 82 लगभग 50,000 रुपये हफ्ता हो रहा है भाई, हमारे यहाँ पे कितना हो रहा है 700। और बहुत सारे भाई जो पहले काम करते थे ना वो मेरी ब्लॉग देखते थे इंडिया में, अब वो लोग ना आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, सेम काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग फोर व्हीलर वहाँ जाके चला रहे हैं। तो मुझे एक भाई इंस्टा पे मिले थे अभी रिसेंटली, बोले भाई मैं यहाँ पे लंदन में रेंज रोवर चला रहे हैं वो, और बहुत अच्छा कमा रहे हैं ऊबर में, सिर्फ ऊबर ही चलाते वो। इतना मेहनत यहाँ पे, मेहनत जो मैं कर रहा हूँ अभी पिछले हफ्ते, पूरे हफ्ते मैंने मेहनत करी है, मुझे पता है और आप लोगों ने व्लॉग भी देखा होगा। क्या करें, मेरे पास एक कंटेंट क्रिएट का थोड़ा एक जरिया है जिसके जरिए मैं शायद कुछ एक्स्ट्रा यहाँ से कर ले, अदरवाइज अगर मैं सिर्फ इस ऐपों के भरोसे रहूँगा तो मेरा घर चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो तो यूट्यूब है जिसके सहारे थोड़ा बहुत हो जाता। तो दोस्तों ये थी पूरे हफ्ते की पोर्टर की अर्निंग, बाकी आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट करके ज़रूर मेंशन करना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर